छोटा नागपुर के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम बिरसा मुंडा का लिया जाता है। बिरसा मुंडा झारखंड के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बिरसा का जन्म खूंटी जिला के उलीहातू में 15 नवंबर सन 1875 को हुआ। वह एक गरीब किसान सुगना मुंडा का बेटा था। उसकी माता का नाम कर्मी था। बिरसा मुंडा ने शादी नहीं की, बाकी सभी भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। इधर बिरसा मुंडा कुछ बड़े हुए तो उनके मामा उन्हें अयूब हातू लेकर चले गए। नाना के घर में उसकी मौसी जौनी उसे बहुत प्यार करती थी। यहां तक कि जब उसकी शादी हुई तो बिरसा को अपने ससुराल खंटगा गांव लेकर आ गई। इन्हीं दिनों बिरसा एक ईसाई धर्म प्रचारक के संसर्ग में आ गए। अयूब हातू में मामा ने सलगा के स्कूल में दाखिला दिला दिया। वहां के एक शिक्षक बच्चों में काफी रुचि लेते थे और पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक और शारीरिक शिक्षा भी देते थे। बिरसा ने चाईबासा मिशन स्कूल से उच्च प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी। एक बार फादर नोतरोत ने ईश्वर के राज्य सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा, जो भी ईसाई बने रहेंगे उनकी जमीन वापस कर दी जाएगी। इस बात से बिरसा के साथ साथ और भी लोगों को काफी धक्का लगा। 1886-87 में मिशनरियों से सरदारों का संबंध टूट गया। मिशनरियों ने सरदारों को धोखेबाज कहना शुरू कर दिया। बिरसा ने इस बात को लेकर विद्रोह कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। घर की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण परिवार को बार बार सहारे की जरूरत पड़ती थी, कभी चकदल तो कभी उलीहातू। परंतु बिरसा अपने को उन लोगों से अलग कर नौकरी की खोज में कंदेर गांव गए और वहीं नौकरी कर ली। फिर बाद में गौड़बेड़ा में एक बुनकर परिवार में नौकरी की। वहीं बिरसा आनंद पंडा के संसर्ग में आए। आसपास के गांव के लोग आनंद पंडा से शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बिरसा उनके खेतों में काम करते, फिर शाम को उनके साथ भजन कीर्तन किया करते, प्रवचन सुनते, महाभारत और रामायण में वर्णित अर्जुन, राम, कृष्ण और भीम आदि की कथा सुनते, जिसका उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 3 वर्षों तक आनंद पंडा के साथ रहकर उन्होंने जिंदगी की बहुत सारी सच्चाइयों को जाना। आनंद पंडा जिस जमींदार जगमोहन सिंह के यहां काम करते थे, बिरसा भी अक्सर उनके साथ वहां जाया करते थे। परंतु जमींदार की क्रूरता से वे बहुत ही विचलित हुए, जिसका प्रभाव उनके आगामी जीवन पर भी पड़ा। आनंद पंडा बिरसा की कर्तव्य निष्ठा, कठोर परिश्रम, सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उन्होंने बिरसा को कुछ मंत्र भी सिखाए, ताकि वे अपनी जनजातियों के दुख को कुछ कम कर सके। उन्हें कुछ पारंपरिक औषधियों के बारे में भी ज्ञान दिया, जिसका लाभ बिरसा को इतना मिला कि वे बहुत ही चर्चित हो गए। समय निकालकर बिरसा शिकार खेलने भी चले जाते थे।
वे अच्छे निशानेबाज के साथ एक अच्छे बांसुरी वादक भी थे। उनके महान बनने की भविष्यवाणी उनके शैशव काल में ही एक वृद्धा ने की थी। इसी दौरान बिरसा की एक अन्य वैष्णव साधु से, जो भी भक्ति समुदाय के थे, मुलाकात हुई और 3 महीने तक उनके प्रवचनों को बिरसा ने सुना और काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मिशन धर्म का पूर्णतः त्याग कर वैष्णव धर्म को ही अपनाया। बिरसा गांव के लोगों की सेवा करने लगे, उन्हें खाना देना, मंत्र देना, उन्हें निरोग करने के लिए प्रार्थना करना आदि उनकी दिनचर्या में शामिल हो गए। खुद तो निरामिष बन ही गए और लोगों को भी इसके लिए आह्वान किया, गोवध रुकवाया, तुलसी की पूजा करने लगे, इसके साथ उपदेश देना, दवा इत्यादि। सिंह बोंगा यानी ईश्वर एक है, सिर्फ उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। बोंगा को मत मानो, भूत प्रेतों को मत मानो, किसी भी पूजा में बलि मत दो, हिंसा बंद करो, शराब मत पियो, मांस मछली से परहेज रखो, सादा रहो, तुलसी की पूजा करो, झूठ मत बोलो आदि उपदेशों के साथ उन्होंने अपनी धर्म प्रणाली बनाई, जो बिरसईत पंथ यानी बिरसा का धर्म के नाम से स्थापित हुआ। एक बात और सामने आती है, जब बिरसा ने एक स्वप्न देखा और उसकी चर्चा वीर सिंह मुंडा नामक व्यक्ति से उन्होंने की थी। उनके मुताबिक स्वप्न में उन्हें दिव्य दर्शन हुए और उनके अंदर किसी शक्ति का प्रसार हुआ। लोगों ने यह अनुभव किया कि बिरसा के अंदर अलौकिक शक्तियां आ गई हैं। वे प्रार्थना करते, प्रवचन सुनते। महामारी और चेचक के समय बिरसा ने गांव-गांव जाकर लोगों की खूब सेवा की। ग्रामीणों के मन में बिरसा के प्रति और भक्ति जागी। इन्हीं सब कारणों से लोगों ने उन्हें भगवान माना। बिरसा ने सरकार के विरुद्ध जब खुलेआम विद्रोह का आह्वान किया, जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा उनके अनुयायी अभी भी सताए जा रहे थे, बिरसा ने लोगों को उसके नेतृत्व में संगठित होकर लड़ने का आह्वान किया। इन बाहरी लोगों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिशोध और संस्कृति को नवजीवन देने की दोहरी प्रक्रिया घुल मिल गई और आगे चलकर उसकी परिणति मुंडाओं के 19वीं शताब्दी के अंतिम विद्रोह उलगुलान में हुई, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा और उनके अनुयायियों की गतिविधियों से अंग्रेज बौखला गए थे। किसी भी प्रकार सरकार इस आंदोलन को दबा देना चाहती थी। मियर्स, जो रांची के जिला आरक्षी अधीक्षक थे, 24 अगस्त 1895 को स्वयं बिरसा के गांव चलकर गए और बिरसा को सोए हुए में गिरफ्तार कर रांची लाए, जहां बिरसा को रांची जेल में रखा गया। रांची आयुक्त के अदालत में नवंबर 1895 को बिरसा और उसके 15 सहयोगियों को सजा सुनाई गई। बिरसा को 2 वर्षों की कड़ी सजा एवं ₹50 जुर्माना भी किया गया। पैसा नहीं अदा करने पर 6 महीने की और सजा काटने का आदेश दिया गया। 1897 के उत्तरार्ध में महारानी विक्टोरिया के शासन की हीरक जयंती के अवसर पर जेल से बिरसा मुंडा सहित अनेक कैदियों को रिहा कर दिया गया।
बिरसा ने भूमिगत रहकर मुंडा राज्य की स्थापना के लिए चुटिया से पलायन कर डोंबारी बुरु को अपना कर्मस्थल बनाया। चारों ओर से पहाड़ों से घिरे हुए इस स्थान से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था जो डोंबा घाटी की ओर जाता था। बिरसा की सेना की सदस्य खूंटी, रांची, चक्रधरपुर, बुंडू, सिसई आदि जगहों में फैले हुए थे। उसकी सेना का मुख्यालय खूंटी में था। विद्रोह 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को शुरू हुआ था। विद्रोहियों ने सर्वादा मिशन हाता, मुरहू मिशन हाता पर एवं बोरजो मिशन पर आक्रमण किए। बिरसा की इन गतिविधियों के कारण रांची के उपायुक्त ने खूंटी, तमाड़ और रांची में काफी बड़ी घेराबंदी की। बिरसा और उसके अनुयायियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना नियंत्रण केंद्र बंदगांव में रखा, जहां के जमींदार जगमोहन सिंह थे। समय को देखते हुए बिरसा भी अपनी नीति में बदलाव लाते थे। तीर धनुष तथा गोला बारूद का मुकाबला चलता रहा। अंत में बिरसा के अनुयायियों की पराजय हुई। लगभग 300 लोग बंदी बना लिए गए। वस्तुतः सैल रकब कांड के बाद आंदोलन में बिखराव शुरू हो गया, किंतु बिरसा मुंडा को पकड़ा नहीं जा सका। बिरसा चक्रधरपुर के जंगल में जा छिपे। जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि 500 रुपए के इनाम के लालच में बिरसा को 3 मार्च 1900 ईस्वी में रांची ले आए। यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। बिरसा को रांची जेल भेज दिया गया। रांची जेल के अपने प्रवास के दौरान ही बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को प्रातः 8 बजे हो गई। रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी मृत्यु हैजा से हुई, किंतु माना जाता है कि उन्हें अंग्रेजों ने जहर देकर मार डाला। बिरसा मुंडा ने खूंटकटी अधिकार को मुंडाओं का जन्म सिद्ध अधिकार बताया था। हमेशा यह प्रचार करते रहे कि अबुआ राज एटे जाना, महारानी का राज समाप्त हुआ। आदिवासियों को खोए हुए अधिकारों को वापस दिलाने तथा शोषण से मुक्त कराने के लिए आज भी बिरसा को याद किया जाता है। आज भी आदिवासियों में नए युग की प्रेरणा पुंज माने जाते हैं। सरकार ने बिरसा जयंती झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाकर उन्हें सम्मानित किया है। ऐसे वीर सपूत बार बार नहीं पैदा होते, हमें उन पर गर्व है। उनकी स्मृति को हर झारखंडी, हर भारतीय शत शत नमन करता है।